के नाम पर जितनी सियासत होती है उससे कहीं ज्यादा राम के नाम में लोगों की आस्था है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सर्व समाज राम के नाम की महिमा और श्री राम के जीवन को आदर्श मानता है। यूपी के अयोध्या में श्री राम ऑडिटोरियम में हो रही रामलीला में विभीषण का किरदार निभाने जब एक्टर रजा मुराद पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने श्री राम के नाम को लेकर बड़ी बात कह दी। रजा मुराद का ये बयान अब वायरल है और लोग इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दरअसल रजा मुराद ने श्री राम के नाम को लेकर कहा कि राम का नाम उनके लिए काफी मददगार रहा है, उन पर श्री राम की कृपा रही है। उन्होंने राम के नाम के साथ अपने नाम के संबंध को भी बताया। क्या कुछ बोले रजा मुराद वो सुनिए। रामलला की पवित्र पावन धरती है, इससे बड़ा लगाव है और रामलला जी की हमेशा मुझ पर बहुत मेहरबानी रही है। मेरा जो पूरा नाम है जो आज भी मेरे उसमें है आधार कार्ड में, वो रजा अली मुराद है। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो जो मेरे इनिशियल हैं वो राम बनते हैं। आर से रजा, ए से अली, एन से मुराद। और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। पहला जो मुझे ब्रेक दिया फिल्मों में वो बाबू राम इशारा ने दिया। पहली जो मेरी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई जिसने मेरी तकदीर बदल दी वो थी राम तेरी गंगा। उसके बाद सुभाष घई जी ने मुझे लिया अपनी फिल्म राम लखन में सर जॉन के रोल, और उसके बाद संजय लीला बंसाली ने मुझे रामलीला में लिया। तो राम का जो शब्द है मेरे लिए बहुत बहुत मुबारक है और हमेशा उनकी मेहरबानी रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 12 साल से बदस्तूर रामलीला में अलग अलग चरित्र मैंने निभाए हैं। कभी राजा जनक बना हूँ, कभी विश्वामित्रा बना हूँ, कभी अहिरावण बना हूँ, कभी कुंभकर्ण बना हूँ, कभी राजा दशरथ बना हूँ। अलग अलग किरदार निभाए हैं और मैंने कहा कुछ भी हो, इस बार आपको विभीषण का रोल देखिए, अभी जा रहे हैं करने के लिए। तो बस इस धरती से प्यार है और रामलला की हमेशा मुझ पर है मेहरबानी रही है और रहेगी। तो रजा मुराद का ये वीडियो जमकर वायरल है और लोग अब इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।